बृजभूषण शरण सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान में कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी आखिरी उम्मीदवार भेजे हैं सबका टिकट काटा गया है। तो जो तमाम अफवाहें ये हैं कि कैसरगंज लोकसभा सीट से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया है, इसमें 90% सत्यता भी है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह ने ये कहा था कि 27 को हम जो है इंतज़ार करेंगे, 28 को कार्यक्रम उसमें हम व्यस्त रहेंगे, 29 को हम खेला करेंगे। यानी कि अब जो 29 तारीख है वो बहुत बड़ा होने वाला है। आज का दिन 29 अप्रैल है और आज बृजभूषण शरण सिंह कुछ बड़ा करने वाले हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह को टिकट क्यों नहीं दिया, आपके हमारे और सबके जहन में यही है। तो भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है, ये लगातार उनके मुख्यमंत्री हों, उनके प्रधानमंत्री हों, हर चुनावी भाषण में ये कह रहे हैं कि माफियाओं की उत्तर प्रदेश में खैर नहीं, जब से बाबा जी आए हैं माफिया जीरो हो गए हैं। और उसके बाद जो बृजभूषण शरण सिंह हैं वो फायर ब्रांड के नेता हैं, वो काफ़ी एग्रेसिव किस्म के नेता हैं, वो अपनी बातों और विवादों में लगातार रहते हैं। और ख़ास करके जब से महिलाओं के यौन शोषण का मामला आया है तब से बृजभूषण शरण सिंह लगातार एक न एक मामलों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी उनसे किनारा काट रही है। लेकिन इस बार बृजभूषण शरण सिंह बैठने के मूड में भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट की मांग कर रहे हैं। लेकिन कैसरगंज लोकसभा सीट से ना तो बसपा ने कोई टिकट का अपना उम्मीदवार घोषित किया है, ना तो इंडिया गठबंधन ने किसी उम्मीदवार को दिया है। और बातों ही बातों में अखिलेश यादव ने तो ये कह दिया था कि हम किसी जात की राजनीति नहीं करते, जाति धर्म हमारे राजनीति में नहीं चलता, जो अच्छा कैंडिडेट होगा, जो कैसरगंज की विकास करेगा हम उसे ही टिकट देंगे। यानी कि इशारों में ये तो बता दिया गया है कि अगर बृजभूषण शरण सिंह चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद समाजवादी पार्टी अपने पार्टी में लेने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती भी अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए इस बार बाहुबलियों पर दांव खेल रही हैं, चाहे वो धनंजय सिंह हो चाहे अब बृजभूषण शरण सिंह हो। जो बाहुबली रह चुके हैं, जो अपने एक्सपीरियंस रखते हैं चुनाव में, उनको टिकट देने से कोई गुरेज नहीं कर रही हैं मायावती। और यही कारण है कि कैसरगंज की जो लोकसभा सीट है वो काफ़ी दिलचस्प हो गई है। आज कैसरगंज की लोकसभा सीट का बहुत बड़ा दिन होने वाले है। अगर बृजभूषण शरण सिंह का टिकट, जो कि 95% तय है कि काट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी से, अगर कैसरगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा है तो फिर अगले उम्मीदवार की घोषणा क्यों नहीं की और कब करेगी। तमाम अफवाहें ये हैं कि कैसरगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी उनके किसी भी परिवार को तो टिकट देने पर राजी है, चाहे वो केतकी सिंह हो, चाहे इनके बेटे पंकज भूषण सिंह हो, जो भी हो, तो इनको तो देने के लिए तैयार है, लेकिन बृजभूषण सिंह को देने के लिए तैयार नहीं है। और बृजभूषण शरण सिंह इस बात के साथ आमदा हैं कि टिकट तो अब हमें ही लेना है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और बृजभूषण शरण सिंह दोनों की साख दांव पर लगी है। क्या भारतीय जनता पार्टी इनके परिवार को भी छोड़कर किसी तीसरे पर्सन, जैसे देखा जाए हम अभी अवध ओझा का नाम आया था, अवध ओझा को टिकट देगी, या फिर किसी तीसरे जो एक उन्हीं के हैं उन्हीं के गांव के बगल के एक नेता हैं, लगातार उभर रहे हैं, वो भी जनरल समाज से आते हैं, तो क्या उनको टिकट देगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब बृजभूषण के खिलाफ जाएगी? चुनावों से जुड़ी तमाम खबरों के लिए और लोकसभा चुनावों से सटीक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल विनय विवादे को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।